पापा जी को एक हफ्ता पहले आप लोग को चिल्ला के करे कान में नहीं प्रोग्राम करता है, एक बार कभी तो नहीं सुनाई देता है आप लोग को, वो कभी गाना भी नहीं गाता। बताते आप जैसे बुद्धू नहीं है जो हमको नहीं बताएंगे। मम्मी पापा जी क्यों मम्मी पापा के खिलाफ जाएगी होगा तो ये मम्मी पापा को बेवजह क्यों फंसा। कितना दिन से वो आता था यहाँ? कौन? पंकज। वो कभी अवे नहीं करता था तो यहाँ मेरे यहाँ क्या करने आया? आपके यहाँ प्रोग्राम में जाता था ना? वो प्रोग्राम करता नहीं था, एक बार कहते तो नहीं सुनाई देता है आप लोग को, प्रोग्राम में जाता था। वो कभी गाना भी नहीं गाता। फोटो का कौन? वो बोला रात नहीं आया था। आप लोग क्या बातें बना रहे हैं, हम जगे हुए हैं तो वो कहाँ यहाँ आएंगे? हमरा यहाँ कहियो ना आवे छै, माथा खराब कर ले चले। आ वो झूठो फूस के वो फसवे छथिन त माथा। हम देखिए ऐसे सवाल हम इतना बता रहे, वो रात के क्यों करने आएगा? ना मेरे भाई जी वहाँ से यहाँ सुबह में 11 तारीख को यहाँ दीदी को वहाँ से यहाँ ला दिए और यहाँ से मम्मी को हम लोग सराखी और बंधवा लिए और चले गए नानी को मम्मी को दे आए और वहाँ से आए मतलब कि लेट आर हो गया, वहाँ से आए थोड़े देर के बाद और प्रोग्राम में चले गए। तो वो लोग कह रहे कि बुला के लाए, अब फ़ोन करके बुलाए तो अगर फ़ोन करके बुलाए हैं तो प्रशासन तो ये भी जल्द से नहीं कर रही है जो कॉल डिटेल निकले जो पता चले कि मेरे भाई जी फ़ोन किए हैं या नहीं किए। आते हैं लोग तो बताते हैं, आप जैसे बुद्धू नहीं है जो हमको नहीं बताएंगे। मेरा भी जवाब देना काम देखी नहीं वो लोग मीडिया वाले, आप बहुत लोग आते हो, आप ही नहीं आए, बहुत लोग आए ना तो हमको बताएं, समझे? अभी आपने बोला है कि जो मीडिया वाले आए हैं वो हमें बताएं। जी जी, क्या बताएं? कि सोनी से पूछे ना मुझे ऐसे ऐसा मीडिया वाले बताए कि ऐसा ऐसा मैसेज है, हमने सोनी से पूछा क्या ये सही बात है तो ये बोली हाँ सही है। हमने की सवाल का जवाब हमें क्यों नहीं मिल रहा है कि अगर वो लड़का अपने माँ से झगड़ा कर रहा था तो फिर उसके लाश उसके आस पड़ोस में टंगे हुए? तो ये भी तो हम भी कह रहे हैं, अगर उन लोगों का ये कहना है कि मेरे भाई जी उन्हें फोन करके बुलाए तो वो लड़का को जो मरा वहाँ पर तो उनके साथ ही में फोन था, लड़का को पास ही में फोन था। अच्छा, तो प्रशासन के पास है तो कॉल डिटेल आएगा तो आप लोग को पता चलेगा ना कि मेरे भाई जी लोग बुलाए या नहीं बुलाए, यहाँ थे या नहीं थे। उसी दिन आपके पिता आपको ये क्यों बोल के चले गए? क्योंकि एक हफ्ता पहले उनको पता चल गया था कि सोनी बात करती है तो पापा जी बोले कि जगे रहने के लिए से कोई गार्जियन नहीं है, जब तक हम नहीं आएंगे जगे रहना, तो सब सो गए। आपको कैसे मालूम चला कि वो उससे बात करती है? पापा जी को एक हफ्ता पहले आप लोग को चिल्ला के करे कान में नहीं आवाज जा रहा है? सुना रहे ना, उसी का सवाल मैं करूंगा। एक मिनट। हाँ, तो एक हफ्ता पहले सोनी जब मेरे भाई जी वाला मोबाइल से बात की ना तो उस समय मेरे भाई जी के हाथ में फोन था तो वो उधर से कॉल आया ना तो भाई जी पहचान गए, क्योंकि भाई जी ना वो लड़का से बात आर कर रखे थे। आपने ये बोला है कि मेरे पिताजी को एक सप्ताह पहले मालूम चल गया था। जी, एक दूसरी चीज आपने ये बोला है कि उन्होंने बोला था कि जगे रहो। जी, जगे रहो स्पेशल बात मुझे समझ नहीं है, क्या उससे पहले वो आपके घर में आया था? नहीं, जगे रहो इसके मतलब कि जब गार्जियन कोई नहीं है कि सोनी बारे में पता चल गया था उन पापा जी और को जो बात करते हैं, इसीलिए बोले गार्जियन कोई नहीं क्योंकि भाभी घर से बाहर निकलती नहीं, बोले कि जगे रहना से गार्जियन कोई नहीं है, मम्मी भी नहीं थी, पापा जी भाई जी और कोई नहीं थी, जगे रहना से हम लोग जब तक नहीं तो तब तक हम लोग जगे थे। उस रात जो प्रोग्राम थी उसमें आपके भाई के साथ वो बंदा गया था पंकज? नहीं, यानी कि मैसेज वाली बात भी गलत है और वो बुलाया गया था? मैसेज वाली बात हम कह रहे हैं ना, सोनी मैसेज की है तो हाँ हकीकत वो कबूल कर रही है तो हम भी मान रहे कि हाँ है। अच्छा, इसका वो कभी उसी के पापा से पूछ लीजिएगा चाहे उसी के गांव से पूछ लीजिएगा कि क्या वो लड़का कभी प्रोग्राम भी करता था? नहीं। क्या आप ये क्यों नहीं पूछते उनसे? FIR में तो दूसरा नाम मेरा है तो क्या हमसे वो लाश उठ सकता है उतना बड़ा, क्या हम मार सकते हैं? FIR में तो मेरा नाम है दूसरा। अच्छा, FIR में आपका? अरे वो जितना हमसे लगा रहे हैं तो क्या हम उसको सही मान लेंगे तो क्या हमारा परिवार रहेगा? क्योंकि मेरे पापा निर्दोष है, हम लगा दे बिना मतलब कि बेवजह हमें पाप नहीं लगेगा।